तो महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव में दिग्गजों की भी सियासी परीक्षा है और इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं। महाराष्ट्र के सियासी रण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों तक की किस्मत का फैसला, जो कि कैद हो चुका था ईवीएम में, अब उस पर आज फैसला आ जाएगा। जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले सीएम की ही बात करते हैं। एकनाथ शिंदे इस चुनाव में ठाणे जिले की कोपरी पांच पखाड़ी विधानसभा सीट से सबसे प्रमुख सीटों में से जो एक है वहां से प्रत्याशी हैं। यहां से शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 से कोपरी पांचा पखाड़ी सीट पर वो अपराजित रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किला रहा है ये इनका महाराष्ट्र चुनाव में। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें, यह भी काफी अहम है। यहां से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदान में हैं। 1999 में उनकी महाराष्ट्र विधानसभा में बतौर विधायक एंट्री हुई, जो अभी तक जारी है। इसके बाद अजीत पवार की बात कर लें तो पुणे की बारामती विधानसभा सीट, ये एक विरासत वाली सीट है पवार परिवार के लिए और हमेशा की तरह 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये खास बनी हुई है। आपको बता दें कि ये वही सीट है जहाँ से कभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जीतते थे। हालांकि पिछले 7 चुनाव में तो बारामती सीट से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही जीतते रहे हैं और 2019 में तो उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी इस सीट से। अजीत पवार के सामने एक बार फिर से वही विरासत वाली बात कि उनके भतीजे युगेंद्र पवार खड़े हैं। युगेंद्र शरद पवार वाली एनसीपी के उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि यहां पर चाचा भतीजे में से कौन बाजी मारता है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की, जो कि सीएम पद के बड़े दावेदार एमवीए की तरफ से माने जा रहे हैं। राज्य के भंडारा जिले के साकोली सीट ये चर्चित सीटों में शुमार है। यहाँ से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले चुनाव लड़े हैं। पटोले साकोली सीट से 4 बार के विधायक हैं और एक और बड़ा चेहरा, उनकी भी बात कर लेते हैं, बाला साहेब थोराट अहिल्यानगर जिले के संगमनेर विधानसभा सीट से वो चुनावी मुकाबले पर लोगों की नज़र है। और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हैं, जो कि सतारा जिले के दक्षिण कराड़ सीट पर दिलचस्प मुकाबले की यहां उम्मीद है। 78 साल के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान विधानसभा में लगातार तीसरी बार जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस काफ़ी मजबूत मानी जाती रही है और इससे पहले वरिष्ठ नेता यशवंत राव मोहिते और विलास राव पाटिल इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। एक और अहम सीट है मुंबई पे, तो खासतौर पे नजर रहेगी, उससे जुड़े हुए जो रुझान है वो तेजी से आप तक पहुंचाएंगे। यहां पर आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा की लड़ाई देखने को मिलेगी और ठाकरे परिवार के 2 सदस्य आदित्य और अमित ठाकरे चुनाव मैदान में उतरे हैं। करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे उद्धव ठाकरे खुद तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य वर्ली सीट से, मुंबई के वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में ही एक और अहम सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, जो कि मुंबई का उपनगरीय क्षेत्र है। यहां पर तो अबू आजमी वर्सेस नवाब मलिक की लड़ाई है, लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ क्योंकि यहां सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी एमवीए के उम्मीदवार थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कई ऐसी सीटें हैं जो कि वीआईपी सीट तो है ही, लेकिन कांटे की टक्कर भी है वहां पर और उससे जुड़ी हुई तेजी से रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।